morning. Today we will discuss about factor-factor relationship. Factor-factor relationship is used to find out least cost combination of input for producing a given level of output. जो factor-factor relationship है, कारक-कारक संबंध है, ये हमें एक अनुकूलतम लागत सहयोग ज्ञात करने के काम आता है इनपुट का, ठीक है. किसी भी एक आउटपुट को प्राप्त करने के लिए, एक निश्चित आउटपुट को प्राप्त करने के लिए फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप ये बतलाता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, ठीक है. तो इसके अंदर ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो रहेगा क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू. हियर क्वांटिटी फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट, एक निश्चित अमाउंट रहेगा प्रोडक्शन का कि आउटपुट हमें एक निश्चित आउटपुट चाहिए, निश्चित आउटपुट रहेगा इसमें. और जबकि x1 और x2 रहेगा, ये क्या रहेगा, वेरिएबल इनपुट रहेगा. किसी भी प्रोडक्शन, निश्चित प्रोडक्शन को लेने के लिए हमारे सामने ये समस्या रहती है कि हमें कारकों का एक ऐसा सहयोग होना चाहिए कि हमें कम से कम लागत हो, हमारी जो टोटल कॉस्ट हो वो कम से कम हो. इसके लिए काम आता है लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ही मेन है फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप का. अगर हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन निकालना सीख गए, इट मीन्स हम साधनों का वो कॉम्बिनेशन, वो सहयोग बनाना सीख गए जिससे कि हम एक निश्चित मात्रा उपयोग करने के लिए, निश्चित मात्रा का प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं. जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे इनपुट होते हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन बैठा के हम एक प्रोडक्शन लेते हैं. लेकिन उन सारे कॉम्बिनेशन में से बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं. सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साधनों का कॉम्बिनेशन किस तरह से बैठाया जाए, ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पता करने के लिए हमें तीन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए. लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पता करने के लिए हमें सबसे पहले तीन चीज़ों का पता होना चाहिए. पहला है जिसमें आपको आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व. सेकंड, आपको पता होना चाहिए आईसो कोस्ट लाइन का पता होना चाहिए. और थर्ड नंबर है आपको MRTS के बारे में पता होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूट के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको इन तीनों के बारे में पता है, इट मीन्स आप लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. तो सबसे पहले आपको आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व के बारे में अपन जानेंगे कि आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व क्या है. आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व है जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं सम. आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व है उसको हम बोलते हैं समोत्पाद वक्र. समोत्पाद वक्र, आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व, आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व. आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व को हम तीन चार नाम से जानते हैं. आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व को हम आईसो प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं, आईसो प्रोडक्ट कर्व बोलते हैं, इसको कंटूर भी बोलते हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में आता है वो है कि आप इसको आइसो क्वांट कर्व भी बोल सकते हैं हम इसको, आइसो क्वांट कर्व. और बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा जाता है कि इस कर्व के बारे में बताइए, आईसो इक्वल कर्व प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, आईसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, आईसो ये क्वांट कर्व क्या होता है. तो ओवरऑल अगर आपको इसका बेस पता है, इट मीन्स आप लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहले जो क्रिस्टो नाम के जो साइंस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था कि आईसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व में प्रोडक्शन समान रहेगा लेकिन कॉम्बिनेशन इनपुट का अलग अलग रहेगा. यानी कि हमें उस कॉम्बिनेशन में से ढूंढना है बेस्ट कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन में से बेस्ट कॉम्बिनेशन निकालना. मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक फार्मर के पास में
100 यूनिट है आउटपुट की, 100 यूनिट है आउटपुट की। अब उसके पास में इनपुट, वो एक जो सर्टेन अमाउंट है, एक निश्चित अमाउंट है, वो है 100 यूनिट ऑफ आउटपुट की। उसके पास में जो कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो X1 और X2 का उपयोग करता है और उसको हर कॉम्बिनेशन में 100 यूनिट प्राप्त होती है। ठीक है, अगर वो A नंबर का कॉम्बिनेशन, अगर वो X1 1 लेता है, X B के अंदर 2 लेता है, C के अंदर 3 और D के अंदर 4 लेता है, और इधर 15, 12, 10 और 9, ठीक है, यानी कि वो अगर कॉम्बिनेशन 1 में X1 की 1 मात्रा और X2 की 15 मात्रा लेता है तो भी उसको आउटपुट मिलता है 100 यूनिट। अगर वो सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा, अगर वो X1 की 2 यूनिट और X2 की 12 यूनिट लेता है तो भी आउटपुट जो मिल रहा है वही सेम 100। ठीक है, थर्ड जो है वो है, अगर वो X1 की 3 यूनिट और X2 की 10 यूनिट लेता है तो भी उसके लिए आउटपुट है 100। और लास्ट जो फाइनल कॉम्बिनेशन है वो है डी, उसके अंदर वो X1 की लेता है 4 यूनिट और X2 की लेता है 9 यूनिट, यानी कि इस वाली के अंदर भी 100 यूनिट आउटपुट। यानी कि ये टेबल आपको ये बता रही है कि हमें हर कॉम्बिनेशन से एक निश्चित आउटपुट मिल रहा है, हर कॉम्बिनेशन से हमें 100 यूनिट आउटपुट मिल रहा है। अब हमारा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन हमें बताएगा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको एक कर्व के तौर पे ड्रॉ करूं तो कर्व के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आइसो प्रोडक्ट कर्व में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, तो देखिए आप, इधर मैं एक्स वन को ले लेता हूं, X2, X3, X4, ठीक है, और इधर हमारी जो X2 की वैल्यू है, X2 की वैल्यू में इधर लिख देता हूँ, X2 की जो वैल्यू है यहाँ पर 5, 10, ये 3, 6, 9, 12 और ये 15, ठीक है। जब हमारा X1 था तो कॉम्बिनेशन पहले वाले में उसने किया 12, एक कॉम्बिनेशन, सेकंड जो था बी के अंदर हमारा था X1 2 और X2 12, तो दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बी कॉम्बिनेशन। सी कॉम्बिनेशन है वो 10 9 के ऊपर, यानी कि ये यहाँ आ जाएगा, और डी कॉम्बिनेशन इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरह का कर्व बनेगा। ठीक है, इस वाले कॉम्बिनेशन का ये इस तरह से हमें ये आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व प्राप्त हुआ, यानी कि हर पॉइंट पर हमें इक्वल, हर प्रोडक्ट पर हमें इक्वल आउटपुट मिल रहा है, हर लेवल हर पॉइंट पे हमें इक्वल आउटपुट मिल रहा है, यानी कि ये सारे कॉम्बिनेशन सही है, ये सारे कॉम्बिनेशन एकदम ओके हैं, लेकिन सबसे कम लागत कौन से उसमें आ रही है इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे, जब हम आइसो कॉस्ट निकालना समझ जाएंगे। ठीक है, तब हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हो गया हमारा आइसो इक्वल प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके सामने आ रहा है आइसो कॉस्ट। नेक्स्ट है अपना आइसो कॉस्ट। आइसो कॉस्ट जो होता है वो होता है कि जिस रेखा के आधार पर एक किसान को ये पता चलता है कि उसके साधनों की कीमत का ज्ञान होता है या निर्धारण करता है, वो सम लागत रेखा कहलाती है। एक फार्मर को उसके साधनों की कीमत का ज्ञान, निर्धारण करने का ज्ञान मिलता है, वो आइसो कॉस्ट लाइन होती है। आइसो कॉस्ट लाइन को मैं सिंपली ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ,
आइसोकोस्ट लाइन एकदम सीधी लाइन होती है, यानी कि अगर यानी कि इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे क्या होगा, एक इक्वल लागत आएगी। हर पॉइंट पे क्या होगा, एक इक्वल लागत आएगी। एग्जांपल के तौर पे समझे तो एक फार्मर के पास में 100 रुपये है, एक फार्मर के पास में 100 रुपीज़ है, ठीक है। वो अगर एक्स वन की एक यूनिट खरीदता है तो उसको 2 रुपये लगते हैं। ध्यान से देखना, अगर वो एक्स वन की एक यूनिट खरीदता है तो वो 2 रुपये यूनिट उसको पड़ता है, यानी कि एक्स वन की जो यूनिट है, एक्स वन की पर यूनिट 2 रुपये, ठीक है, और एक्स टू की पर यूनिट जो है वो है 1 रुपया, ठीक है। इधर आपका एक्स वन और यहाँ आपका एक्स टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर फार्मर क्या करे, 100 ही यूनिट खरीद दे एक्स वन की, एक्स टू की, तब तो उसके 100 रुपये यहाँ पर स्पेंड कर सकता है, लेकिन उसको कॉम्बिनेशन बैठाना है, यानी कि उसको एक्स टू भी खरीदना है और एक्स वन भी खरीदना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर फार्मर 50 यूनिट खरीद लेता है एक्स टू की, तो उसके 50 रुपये खर्च हो गए। अगर वो 100 यूनिट खरीदता है तो उसके 100 रुपये यहाँ पे खर्च हो जाएंगे, लेकिन उसको एक्स वन और एक्स टू का कॉम्बिनेशन लेना है, यानी कि वो एक्स टू की कुछ मात्रा खरीदेगा और एक्स वन की भी कुछ मात्रा खरीदता है। लेकिन अगर फार्मर एक्स वन की ही मात्रा खरीदता है तो 50 यूनिट अगर वो खरीदता है तो 50 यूनिट खरीदते ही उसके 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। इसलिए वो क्या करेगा, फार्मर सिर्फ 25 यूनिट खरीदेगा एक्स वन की और एक्स टू की खरीदेगा वो 50 यूनिट, ठीक है। यानी कि हर कॉम्बिनेशन पे उसको यहां पर अगर इसकी जो आइसोकोस्ट लागत ले